पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण इस महामारी के भयंकर महामारी से जो भी आप लोगों ने देखा महसूस किया पूरे विश्व भर में इसके जो भी परिणाम हमें दृश्य दिखाई दिए उसके बारे में राहुल गांधी जी ने हमारे नेता एक बहुत ही अध्ययनशील और समझदारी से अपनी भूमिका रखी है। पूरे भारतवर्ष को इसका पता है और उन्होंने आज इस महामारी को लेकर बहुत शुरू में ही केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि इसके आर्थिक परिणामों के बारे में जरूर सरकार सोचे और वक्त पे कदम उठाए। पर आप देख रहे हैं कि इस विषय को गंभीरता से केंद्र सरकार में नहीं लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि इस महामारी का भयंकर परिणाम ये सबको उठाना पड़ा और खास करके गरीब जो लोग हैं उनको इसका भयानक सामना आर्थिक सामना करने की नौबत आ गई। आज राहुल जी फिर से उन्होंने इस विषय को पार्लियामेंट के जरिए और पार्टी के जरिए ये लोगों के सामने रखा है। हमारी राहुल जी ने जो मांग की है प्रमुख मांगे जो है उसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में कई राज्यों में लोग बड़े पैमाने पे उनके निधन हो गया मौत हो गई कोरोना के कारण। राहुल जी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्य जो है खास करके वैसे तो सभी राज्यों ने जितने लोगों की मौत हुई है उसके आंकड़े स्पष्ट करने चाहिए और खास करके बीजेपी शासित जो भी हमारे राज्य है उन्होंने सही प्रमाण जो बताना चाहिए कि कितने लोगों की मौत हुई है। हम लोगों ने देखा कि कहीं राज्यों में चिताएं जलती हुई देखी, नदी में लोगों के लाशें को बहते हुए हमने देखा है। ये बड़े दुख की बात है और हमारी यही मांग है कि इसकी सच्चाई देश को मालूम होनी चाहिए, लोगों के सामने सही आंकड़े आने चाहिए कि महामारी के कारण कितने लोगों की मौत हुई है। और दूसरी बात जो राहुल जी ने कही है वो बात बिल्कुल सही है कि ऐसे महामारी के कारण जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनके परिवार को 4 लाख रुपए तक मदद करने की भूमिका इस हर राज्य के शासन ने करनी चाहिए। ये मांग राहुल जी ने की है बिल्कुल सही है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि कांग्रेस शासित राज्य तो निश्चित तौर पर करेंगे ही पर बाकी अन्य राज्यों ने भी राहुल जी ने जो अपील की है उसको ध्यान में रखते हुए 4 लाख रुपए उस फैमिली को मिलने चाहिए जिसके परिवार से कोई व्यक्ति कोविड के कारण मौत हुई है जिसकी। धन्यवाद।